आज की जो वीडियो है उसका जो टाइटल है वो है हाउ टू यूज पेन टैबलेट विद जूम वाइट बोर्ड। और मेरे पास में जो पेन टैबलेट अभी मैं यूज कर रहा हूँ वो एक्सपी इंडिया का जो पेन टैबलेट है, एक्सपी पेन इंडिया उसका पेन टैबलेट है, राइट। और ये डेको सीरीज है, डेको सीरीज का जो वर्जन 2 है, 01 वर्जन 2 ये मैं यूज कर रहा हूँ, राइट। तो इसको अगर टीचर अभी इसको अगर आप परचेज करते हैं तो फॉर टीचर्स जो है वो 5% वो डिस्काउंट पर अवेलेबल है ऑन दी एक्सपी इंडिया का जो स्टोर है, राइट। तो उसका लिंक मैं जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो जो भी मार्केट प्राइस है उस पर आपको 5% का डिस्काउंट अवेलेबल होगा अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ कोड यूज करते हैं, राइट। तो कैसे आप जो टैबलेट है, जो पेन टैबलेट है, आप पूरा लिखूंगा तो ज़्यादा बेटर होगा। और जूम जो है, और जूम के अंदर जो वाइट बोर्ड अवेलेबल है, राइट, उसको टीचिंग के लिए कैसे यूज करते हैं, और ये जो आपके स्टूडेंट हैं या फिर जो भी आपके जूम के ग्रुप को ज्वाइन करता है, राइट, तो उसको ये वाइट बोर्ड कैसे दिखाई पड़ेगा, तो ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जूम को ओपन करेंगे। जूम का इंटरफेस जैसे ही ओपन होगा वहाँ आप उसका कोड यूज करेंगे। कोड को यूज कहाँ करेंगे, उसके लिए आप जो स्क्रीन है उसको शेयर करेंगे। वहाँ पर स्क्रीन जो होगी वो वाइट बोर्ड की होगी, राइट। तो उसके लिए आपको कोड की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। पेन टैबलेट आपका जो है एज यूजुअल वो आपका जो भी मोबाइल फ़ोन है उसके साथ में आपने अगर ये कनेक्ट किया हुआ है या फिर पीसी टैबलेट के साथ में, राइट। तो ये हार्डवेयर हुआ आपका, ये सॉफ्टवेयर हुआ, और पेन टैबलेट के साथ में प्लस ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सब चीज़। तो इसको देखते हैं कि किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ शो करूँगा जो स्क्रीन है, और स्क्रीन पर आप जो देख पाएंगे तो वो ये जूम का इंटरफेस देख पा रहे हैं। यहाँ कोई भी मीटिंग जब आपको ज्वाइन करना है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं बाय क्लिक करके। और यहाँ जो आईडी है किसी भी मीटिंग की, अगर जैसे मैं न्यू मीटिंग क्रिएट करूँगा आपको ज्वाइन करने के लिए कहूँ, तो ये जो अभी 2035786705, तो ये आईडी कॉपी कर लूँगा। अगर मुझको आपके साथ में लिंक शेयर करना है तो कॉपी इनविटेशन, राइट। तो इस तरीके से ये मैं दो पॉइंट यहाँ से देख सकता हूँ। अब ज्वाइन करने के लिए ये है, और अभी स्क्रीन अगर शेयर करना है तो उसके लिए ये है। तो स्क्रीन शेयर करने के लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पर क्लिक, जो कोड है वो यहाँ पर मुझको लिखना होगा। तो ये जो कोड था ये यहाँ पर मैंने लिख दिया, और इस तरीके से मैं ये जो शेयर का ऑप्शन है करूँगा। तो आप जैसे देख पा रहे हैं तो अब यहाँ जूम के थ्रू मैं अपनी जो स्क्रीन है, कंप्यूटर की जो स्क्रीन है, उसको शेयर कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ मैंने अपना जीमेल आईडी ओपन किया हुआ है, यहाँ क्लासरूम प्रेजेंटर OBS, और ये स्क्रीन जो अभी आप देख पा रहे हैं ये वाइट बोर्ड, और यहाँ जो मेरे पास में वाइट ब्लैक बोर्ड है वो ये है क्लासरूम प्रेजेंटर जिसको मैं यूज करता हूँ, और ये वाइट बोर्ड जो है ये जूम का है। तो मैं अभी आपके लिए ये सेलेक्ट करता हूँ जो जूम का वाइट बोर्ड है, और यहाँ मैं इसको अब आपके साथ में शेयर कर दूंगा। अगर आपने मीटिंग ज्वाइन किया हुआ है तो आपको केवल ये पार्ट दिखाई पड़ेगा, राइट। तो अब ये फुल स्क्रीन पर, और इस ये जो यहाँ कंट्रोल मेन्यू है इसको मैं ऊपर या ऐसे साइड में सेलेक्ट कर लूँगा। तो अब वाट एवर आई विल राइट हियर ऑन दी स्क्रीन, तो आप ये ड्रा करने का यहाँ से आप टूल देख लीजिए, ये टूल आई हैव सेलेक्ट। सो सबसे पहला जो टूल है वो आप मेन्यू में यहाँ देख रहे हैं वो ड्रा, और ड्रा से आप जो है एक लाइन जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे।
राइट। तो इस तरीके से आप देख पाएंगे कि ये पेन और यहाँ पेन का ये बिहेवियर, थिकनेस अगर यूज करना है तो ये थिकनेस को शो करेगा, राइट। तो इसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप ये थिन जो है इसको यूज कर सकते हैं। ड्रा के लिए अगर आपको लाइन यूज करना है तो लाइन यूज कर सकते हैं, अगर आपको रेक्टेंगुलर या कोई ऐसी स्ट्रक्चर ड्रा करना है तो वो भी आप यहाँ से ड्रा कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये पार्ट तो हुआ ये सर्कल के लिए यहाँ, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सबके साथ में आपकी अवेयरनेस हो चुकी होगी। तो यहाँ पर ये थे टूल्स जो आपके लिए यूजफुल होंगे। यहाँ आपको अगर कैमरा यूज करना है तो आप कैमरा यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी OBS में इसको यूज कर रहा हूँ, तो आई डोंट थिंक कि अभी ये मेरे पास में दो कैमरे हैं, एक वेब कैम का और ये दूसरा, तो दोनों यूज हो रहे हैं, राइट। तो अब ये इस तरीके से अगर आप उस मीटिंग को ज्वाइन कर चुके हैं तो वाट एवर आई विल राइट ऑन दी दिस वाइट बोर्ड, तो वो आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगा, राइट। तो यहाँ जैसे कि पार्टिसिपेंट्स के थ्रू आप देख सकते हैं, और जैसे कि ये फुल आपका बोर्ड ऐसे फिल हो जाएगा, फिर कैसे लिखेंगे नीचे की साइड में, तो ये नीचे तो नहीं होगा कीबोर्ड से, तो यहाँ से आपको क्लियर आपको मिल जाएगा, क्लियर माय ड्राइंग, क्लियर व्यूवर्स ड्राइंग, क्लियर ऑल ड्राइंग, तो क्लियर माय ड्राइंग्स ओनली। तो इसके थ्रू क्या होगा कि आपने जो अपने बोर्ड पर अभी लिखा था केवल वो ही पार्ट जो है यहाँ से इरेज होगा। वाइट बोर्ड, अब ये आपने क्लिक किया, राइट, तो वाइट बोर्ड को यहाँ सेलेक्ट किया हुआ है। मोर फीचर क्या है, रिकॉर्ड, ये तो आप अब ये सब कुछ आ ही चुका होगा, तो ये प्रॉब्लम नहीं है। तो इरेजर भी यहाँ पे है, हाईलाइट करना है, टेक्स्ट करना है, सेलेक्ट करना है, जो भी कोई पॉइंट है, पेन के जो कलर है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, और इस वाइट बोर्ड को आप अपने स्टूडेंट के साथ में शेयर कर सकते हैं। तो बाय दिस वे यू कैन यूज द ग्राफिक्स टैबलेट विद दी जूम, राइट। सो दिस वाज एक छोटा सा जो इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दी जूम जो वाइट बोर्ड है, एंड ये पेन टैबलेट उसके साथ में कैसे यूज होगा, राइट। आई होप कि ये जो पार्ट रहा होगा, ये जो डेमोन्स्ट्रेशन रही होगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी। नाउ यू कैन स्टॉप शेयरिंग दी स्क्रीन, सो बाय दिस वे यू कैन कम आउट फ्रॉम द जूम एंड नाउ यू कैन क्लोज योर रिकॉर्डिंग और व्हाटएवर द सेटअप यू हैव।